हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। और अब खबर मुंबई से है, जहां एक शिवसेना विधायक की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। तस्वीरें मुंबई के कुर्ला से आई हैं, जहां नाले में सफाई नहीं होने की वजह से पानी भरा हुआ था, पानी बह नहीं पा रहा था, जिससे नाराज विधायक ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से अब हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। शिवसेना के विधायक दिलीप ने सड़क पर ही बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर को धक्का देकर पानी में डूबे कचरे पर बिठा दिया। इतना ही नहीं, विधायक ने नाले से कचरा निकलवाकर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर फेंकवाया। जाहिर है शिवसेना के विधायक का ये सड़क छाप इंसाफ कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। शिवसेना विधायक की इस करतूत के बाद बहुत से सवाल उठे हैं। सवाल यह है कि जब बीएमसी में शिवसेना है तो सफाई की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जब सरकार में शिवसेना है तो जिम्मेदार कौन है? आखिर इंसाफ के नाम पर एमएलए ने गुंडागर्दी क्यों की? क्या अपने विधायक पर उद्धव ठाकरे कार्रवाई करेंगे? क्या गुंडागर्दी के लिए शिवसेना एमएलए माफी मांगेंगे? हमारे साथ में है अब दिलीप जी, ये जानना चाहेंगे जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कचरे फेंके गए उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप ही की सरकार महानगर पालिका में है, राज्य में भी है, तो जिम्मेदारी किसकी, क्या सिर्फ ठेकेदार की बनती है? जिनको जिम्मेदारी दिया है उनका काम है। ठेकेदार को वो जिम्मेदारी दिया है कि मुंबई के नाले साफ करना उनका काम है। अगर उनकी जिनको जिम्मेदारी दिया है उनको अगर अपनी जिम्मेदारी का मालूम नहीं है तो मालूम करके देना वो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जो लोग रिक्वेस्ट करके अगर नहीं मानते तो उनको आंदोलन से सिखाना पड़ेगा। लेकिन शिवसेना का जो स्टाइल है, उस स्टाइल में जिस तरह एक ठेकेदार को आप लेके जाते हैं, नाले में कचरा डालते हैं, उसके ऊपर गंदा पानी डाला जाता है, क्या ये जायज़ है? दूसरे भी बहुत सारे ठेकेदार को लेके नहीं गए, हम खुद गटर साफ कर रहे थे। हमारे शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिक हम लोग गटर साफ कर रहे थे। जब वो ठेकेदार को मालूम हो गया तो ठेकेदार आ गया तो उसको बता दिया कि हम कितना कचरा निकाला है और कितना कचरा यहाँ पे है, तो देख लो। दोबारा उस ठेकेदार ने अपनी गलती मानी, कुछ कहा? और ऐसे बहुत सारे नाले अभी हमने देखे यहाँ पर कुर्ला में जो अभी भी ऐसी परिस्थिति में। देखिए, लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है, लोगों को जहाँ पे तकलीफ होएगा वहाँ पे रास्ते पे उतरना इस शिवसैनिक का काम है। लेकिन बीएमसी में तो आप ही की सत्ता, आप तो खुद नगर सेवक लंबे समय तक रहे, कई पदों पर रहे, अभी विधायक बने हैं, सरकार में राज्य सरकार भी आप ही की है। सत्ता हमारी है तो भी लोगों के साथ में रहना, लोगों को जो तकलीफ है वो दूर करना और जो कोई नहीं सुनता है उसके विरोध में आंदोलन करना हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी कर रहे हैं। यही स्टाइल रहेगा, हमारी जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है वो विश्वास बढ़ाने का काम करेंगे। अपने विधायक की गुंडागर्दी को लेकर अब शिवसेना सवालों के में घिर गई है और बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी का कहना है कि ऐसी हरकत के जरिए शिवसेना अपनी नाकामी को छिपा रही है। मुंबई महापालिका में शिवसेना की गुंडागिरी की अब हद हो रही है। नेवी अधिकारी के घर पे मारते हैं और नाले सफाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को नाले में डुबाने का काम आज शिवसेना विधायक ने किया। मैं कह रही है, एक तो 3% नाले सफाई हुई है तो ये झगड़ा कचरे का है या कमीशन का? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।